प्रज्ञानम चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने हमारे पिछले वीडियोस में देखा है कि हम इस समय पाचन संस्थान के बारे में बात कर रहे हैं, कैसे योग का इफेक्ट पाचन संस्थान पर पड़ता है, डाइजेस्टिव सिस्टम पर यौगिक इफेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। और पिछले वीडियो में हमने देखा कि कैसे बोलस आगे बढ़ता है पिग्लोटिस को पार करके और वो ईसोफेगस में जाता है, और ईसोफेगस में जाते ही जो पेरिस्टालिसिस क्रमाकुंचन तरंगे हैं उनके माध्यम से वो स्टमक तक पहुंचता है। स्टमक में पहुंचने से पहले एपिग्लोटिस के बाद और स्टमक से पहले वहां पर दो प्रकार के वाल्व लगे हैं, स्फिनिक्टर्स लगे हैं, दो प्रकार के दोहरे टाइट वाल्व। और ये वाल्व होते किस चीज के हैं? ये मसल्स के होते हैं, टाइट मसल्स होती हैं। जैसे ही भोजन यहां पहुंचता है वो वाल्व ऑटोमेटिक खुल जाते हैं और भोजन पेट में पहुंच जाता है। भोजन पेट में पहुंच जाता है खाना खाने के जस्ट बाद। वैसे आसन करना मना है, कहते हैं कम से कम 3 घंटे का अगर हैवी मील ली है तो 3 घंटे तक योग के कोई अभ्यास नहीं करने हैं, सिवाय कुछ अभ्यासों के, जैसे हम वज्रासन कर सकते हैं। तो वज्रासन को छोड़ दिया जाए तो और दूसरे अभ्यास मना होते हैं खाली पेट करने के लिए, उन्हें बताया जाता है। लेकिन हम यहाँ पर आपको और सारे योग के जिज्ञासुओं को, शिक्षकों को ये बताना चाहेंगे कि कोई दिक्कत नहीं है अगर खाने के जस्ट बाद भी शीर्षासन कर दिया जाए तो खाना मुंह में नहीं आएगा। इस बात के लिए आप बेफिक्र रहिए, डाइजेस्टिव सिस्टम में इतनी अच्छी व्यवस्था यहां पर स्फिनिक्टर्स के रूप में लगी हुई है। अलग नहीं करना है फिर मैं कह रहा हूं, लेकिन मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं कि कभी ये बात, क्योंकि मैंने कई योगाचार्यों के मुंह से ये बात सुनी कि इसलिए पानी नहीं पिया जाता, इसलिए दूध नहीं पिया जाता, इसलिए जूस नहीं पिया जाता क्योंकि आप शीर्षासन करोगे तो मुंह से बाहर आ जाएगा। आश्चर्य होता है, या तो आप डाइजेस्टिव सिस्टम के इसके बारे में अनभिज्ञ हैं कि यहां पर ऐसे स्फिनिक्टर्स लगे हैं जो खाने के बाद रिवर्स नहीं होने देंगे चीजों को, लेकिन फिर भी आपके मन में क्वेश्चन आया होगा कि फिर वोमिटिंग कैसे होती है, कैसे वो खाना हमारे बाहर आ जाता है, या कुंजल में कैसे वो पेट का पानी बाहर आ जाता है, व्याघ्र क्रिया में खाया हुआ खाना बाहर कैसे आ जाता है। यस, यू आर राइट। अब एक्टिव और पैसिव प्रोसेस भी तो कोई चीज होती है। जब हम वोमिटिंग की बात करते हैं तो वोमिटिंग आती किस कारण है? क्योंकि हमें कुछ इंडाइजेशन हुआ है। इंडाइजेशन हुआ है जो पेरास्टालिसिस नीचे की तरफ को चल रही थी, पेट सेल्फ हीलिंग करता है। बॉडी में एक सिस्टम है नेचुरोपैथी जिस पर काम करती है, नेचुरोपैथी यानी कि प्राकृतिक चिकित्सा जिस पर काम करती है, वो कहती है कि बॉडी में ये पावर है, वो स्वयं को हील कर सकती है। सेल्फ हीलिंग पैटर्न इज देयर, हीलिंग थेरेपी भी इसी पर काम करती है, प्राण चिकित्सा जिसको कहते हैं वो भी इसी सिस्टम पर काम करती है कि बॉडी में अपनी हीलिंग की कैपेसिटी है। अगर लाइसोजोम भी उस बैक्टीरिया को नहीं किल कर पाया या फूड पॉइजनिंग हो जाती है, उस कंडीशन में वोमिटिंग होने लगती है। और वोमिटिंग क्यों होने लगती है? क्योंकि पेट चाहता है कि अंदर जो भी टॉक्सिन्स है उनको जल्दी से जल्दी बाहर निकाला जाए, और जल्दी से जल्दी बाहर निकालने के लिए उसको सबसे आसान दिखता है कि यहां पर डिस्टेंस कम है मुंह से और स्टमक की। क्योंकि नीचे अगर देखेंगे तो फिर स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, उसको पार करके रेक्टम के थ्रू उसको बाहर निकालेगा तो टाइम लगेगा, इसलिए वो रिफ्लेक्स एक्शन कर देता है, क्रमाकुंचन तरंगे रिवर्स हो जाती है और उस कंडीशन में ये वाल्व खुल जाते हैं और चीजें बाहर आ जाती है। दूसरा, जब हम कुंजल कर रहे होते हैं तो कुंजल कर रहे होते हैं तो इतना कितना पानी पीना पड़ता है ताकि वो गले तक आ जाए। गले तक क्यों आ जाए? ताकि ये वाल्व बंद होने की कंडीशन ही ना बने, नहीं तो कम पानी पीकर कुंजल करा देते, 1 गिलास पानी से कुंजल करो। अच्छा, फिर उसमें भी दूसरी बात है कि आपको सेल्फ एक रिफ्लेक्स क्रिएट करना होता है, इसीलिए कहते हैं उड्डयन बंद जैसी अभ्यास करिए, पेट को चलाइए ताकि रिफ्लेक्स एक्शन जनरेट हो और पानी बाहर निकल जाए। तो दोनों में क्या किया जा रहा है? उन क्रमाकुंचन तरंगों का पेरिस्टाल्सिस प्रोसेस को रिवर्स करने की बात की जा रही है।
ठीक है। और वस्त्र धोती में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि वस्त्र के साथ क्या होता है, जो लोग वस्त्र धोती की प्रैक्टिस करते हैं वो अक्सर देखते हैं कि जब पहले पहल वो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो बार बार उनका वस्त्र बाहर आ जाता है। ये बात दिखाता है कि कितना रिफ्लेक्स एक्शन तेजी से आता है अंदर से, कि वस्त्र धोती एक बार में विरले व्यक्ति की ही हो पाती है, अदरवाइज कई दिनों तक अभ्यास करना पड़ता है, कभी कभी लोगों को महीनों लग जाता है पूरी वस्त्र धोती में, यही रिफ्लेक्स एक्शन के कारण। अब बात करते हैं कि भोजन इस स्पिनेक्टर्स को पार कर चुका है, दोनों स्पिनेक्टर्स को पार करके कहां आ चुका है, स्टमक में आ चुका है। ये एक स्टोर है जहां पर भोजन आता है, और यहां भोजन आते ही कुछ एंजाइम्स, कुछ दूसरे म्यूकस जैसी चीजें इसके साथ मिलती हैं, और सबसे बड़ी चीज है यहां पर मिलता है इस भोजन में HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और जिसका पीएच वैल्यू 1.5 टू 3.5 तक होता है। इस पीएच वैल्यू का मतलब समझते हैं आप, इस पीएच वैल्यू का मतलब है ये हाईली एसिडिक नेचर का एसिड है, हाईली एसिडिक, इतना एसिडिक कि अगर इसको स्किन पर डाल दिया जाए तो स्किन को जला ही नहीं गला देगी, और हो सकता है ज्यादा देर पर अगर यहां पर रखेंगे तो ये पेनिट्रेट करके बाहर आ जाएगा, इतना हाईली एसिडिक नेचर का होता है। कितना होता है आप अगर सामान्य जीवन में इसको देखना चाहें तो जो बड़ी बैटरीज हैं घरों में रखी हुई उनके अंदर भरा हुआ जो तेजाब है लगभग उतना पीएच वैल्यू इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का होता है जो उस भोजन के साथ मिलता है। उस भोजन के साथ मिलने में कई बातें करता है, पहली बात जो लाइसोसोम ने नहीं कर पाया, लाइसोसोम क्या नहीं कर पाया, उन बैक्टीरिया को किल नहीं कर पाया जो बहुत ज्यादा हार्मफुल, बहुत ज्यादा स्ट्रांग थे, उनको किल करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के साथ मिलता है तो बहुत सारे बैक्टीरिया को किल कर देता है। दूसरा, कई बार हम सोचते हैं हम खाना नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे, खाना खाते हैं इसीलिए हम जीवित हैं। कभी सोचा है ये खाना जो आपने खाया है अच्छा खाना है, क्वालिटी अच्छी है, और पेट में जाके सड़ जाए, सड़ने लग जाए तो भी तो हम मर जाएंगे। कौन वो है केमिकल जो उस भोजन को सड़ने से रोकता है, दैट इज HCl, सड़ने नहीं देता, इतना केमिकली उसको स्ट्रॉन्ग कर देता है, और केमिकली ब्रोकन डाउन करने के लिए भी HCl इज रिस्पॉन्सिबल। और दूसरे हार्मोन्स भी हैं, दूसरे एंजाइम्स भी हैं, दैट इज प्रोटीज, प्रोटीज उसमें हेल्प करता है, और यहां पर फिर एक बार मसल्स ही वर्क करती हैं। इसमें ऐसे स्ट्रक्चर इसके अंदर होता है कि मसल्स उस स्ट्रक्चर में भोजन को लाके वैसे ही रगड़ती हैं जैसे चक्की में आटा पीसा जाता है, भोजन को चंच कर देती हैं, और भोजन जो यहां से बोलस के रूप में आया था इस प्रोटीज, म्यूकस, HCl और चंच होने के बाद केमिकली डाइजेस्ट होता है, केमिकली डाइजेस्ट होने के बाद वो आगे बढ़ता है, आगे बढ़ने से पहले इस जो केमिकली डाइजेस्टेड फूड को हम काइम कहते हैं। यहां पर एक बात और बता दें, दिमाग में यह आ रहा होगा जब ये पीएच वैल्यू इतनी स्ट्रांग है जो कि हमारी स्किन को जला सकती है तो वो पेट को क्यों नहीं गला दे रही है, पेट गल जाना चाहिए और गल जाता है। कब? अल्सर जैसी बीमारियां इसी HCl के कारण होती है, जब ये हमारी स्टमक की लेयर्स को टच कर जाता है तब। योग के विद्यार्थी ये बात अच्छी तरीके से समझते हैं कि उनको जब कहा जाता है कि आप कुंजल कीजिए, कुंजल करेंगे तो क्या होगा, तो क्या बताया जाता है कि म्यूकस की लेयर धुल जाएगी, म्यूकस की लेयर साफ हो जाएगी, और इसके अंदर डाइजेस्टिव जूसेस और एब्जॉर्प्शन जो होता है वो होने लगेगा, तेजी से होने लगेगा, इसलिए कुंजल की प्रोसेस उनसे कराई जाती है, प्रैक्टिस कराई जाती है। वो म्यूकस लेयर है जो हर दूसरे तीसरे दिन इस पूरी स्किन का स्तर बनाती रहती है और नई होती रहती है, ये नहीं कि वो बहुत पुरानी हो, हर दूसरे तीसरे दिन वो नई हो जाती है, अपने आप को रिन्यू कर लेती है।
ये जो वस्त्र लोधि की प्रक्रिया है, कुंजल की प्रक्रिया है, इनसे उसके रिन्यूअल में मदद मिलती है, सहायता मिलती है। योगी प्रैक्टिसेस उसके लिए हेल्प करती हैं। और कुछ चीजें स्टमक में ही डाइजेस्ट हो जाती हैं, जैसे वाटर, डिस्प्रिन जैसी टेबलेट और जैसे अल्कोहल। इसीलिए अल्कोहल कंजप्शन करने वाले लोग ये जानते हैं कि जैसे ही पेट में अल्कोहल जाती है उनका मूड स्विंग करने लगता है। क्यों? क्योंकि उसका एब्जॉर्प्शन स्टमक से ही होने लगता है, उसके लिए देर नहीं लगती। आपने अगर कभी डिस्प्रिन के एड को देखा हो तो वो लोग भी ये दावा करते हैं कि तुरंत आराम। क्यों तुरंत आराम? क्योंकि वो पेट में जाकर ही अब्जॉर्ब होने लगती हैं। ऐसी चीजें जो पेट में अब्जॉर्ब हो जाती हैं वो डायरेक्ट ब्लड में मिल जाती हैं, और ब्लड में मिलने के बाद वो ब्रेन तक पहुंच जाती है और हम उसके इफेक्ट्स को महसूस कर पाते हैं नर्व सिस्टम के माध्यम से। नो डाउट नर्व सिस्टम का डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे पेट पर कोई नहीं है, लेकिन जैसा कि हमने पहले वीडियो में आपको बताया था कि मिताहार में तीसरी कंडीशन क्या है, मेंटल कंडीशन। डायरेक्ट हाइपोथैलेमस ही भूख प्यास को महसूस करता है, इसलिए मेंटल कंडीशन इज मोर इंपॉर्टेंट टू डाइजेस्ट एनी फूड। तो मेंटल कंडीशन ठीक रखने पर ही ये केमिकल्स, ये एंजाइम्स उस मात्रा में, उस अप्रोप्रिएट मात्रा में निकलेंगे ताकि वो भोजन डाइजेस्ट हो सके। और भोजन डाइजेस्ट होगा तो ये आगे बढ़ेगा। एक बात और आपने देखी होगी, हमारे यहाँ भोजन कई प्रकार के बताए गए हैं, जैसे लघु और गुरु की बात होती है। लघु और गुरु, गुरु का मतलब है जो भारी हो, हैवी हो, जिसमें फैटी फूड्स ज्यादा हो, फैट ज्यादा हो। तो ऐसे भोजन करने के बाद, ऐसा फूड लेने के बाद हम देखते हैं भूख देर से लगती है, हंगर देर से लगती है, फूड हमारा पेट महसूस ही नहीं करता कि उसे भूख लगी है। क्यों? क्योंकि फिर जितना हैवी फूड होगा फूड प्रोसेसिंग में उतना ही टाइम लगेगा, क्योंकि ये बात पेट भी जानता है, अगर मैंने सारा का सारा एक साथ स्मॉल इंटेस्टाइन को भेज दिया तो देयर विल बी समथिंग, कुछ वहां पर प्रॉब्लम हो सकती है, विषय हो सकते हैं। इसलिए जब ज्यादा भारी भोजन होता है, गरिष्ठ भोजन होता है, तो धीरे धीरे वो डाइजेस्ट होता है और हल्का होता है, खिचड़ी जैसी चीजें, दलिया जैसी चीजें, वो जल्दी पच जाती है और आगे बढ़ जाती है, पेट खाली हो जाता है। तो सुपाच्य भोजन है या गरिष्ठ भोजन है, इस पर भी निर्भर करता है कि डाइजेशन की प्रोसेस में कितना टाइम लगेगा। अब आप जूस पी लेते हैं, जूस एक डेढ़ घंटे में डाइजेस्ट हो जाता है, लेकिन अगर आपने हैवी मील्स ले रखी है तो 3-4 घंटे 5 घंटे लग जाता है कि दूसरी मील्स लेने के बीच इतना टाइम लग जाता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है भोजन की गरिष्ठता पर, उसकी फैटी फूड्स पर, उसके दूसरे जो कंपोनेंट्स हैं फूड के उन पर डिपेंड करता है कि उसके प्रोसेस में, उसके डाइजेशन में कितना टाइम लगेगा। इसीलिए ये बातें की जाती है कि जूस पीने के इतनी देर बाद और खाना खाने की इतनी देर बाद योगी प्रैक्टिसेस की जा सकती हैं। अब जब भोजन में ये प्रोटीन, HCl, म्यूकस, ये सारी चीजें मिल चुकी हैं और वो केमिकली ब्रोकन डाउन कर दिया गया है, केमिकली उसको तोड़ दिया गया है, और उसको अब यहां पर बोलस ना कहकर काइम कहते हैं। काइम अब आगे बढ़ता है, और आगे बढ़ता है तो स्टमक और छोटी आंत के बीच एक वाल्व लगा होता है, उस वाल्व का नाम है पाइलोरिक स्फिनिक्टर। पाइलोरिक स्फिनिक्टर को पार करके भोजन छोटी आंत में जाता है। जब वस्त्र धोती का अभ्यास कराया जाता है तब भी साधकों को ये बताया जाता है कि आप वस्त्र धोती को जितनी जल्दी हो सके पेट तक ले जाइए, वहां रोकिए मत, क्योंकि अगर उसने इस स्टमक के आगे पाइलोरिक स्फिनिक्टर तक पहुंच गई तो फंसने के चांस रहते हैं। इसलिए शीघ्रता बरती जाती है कि वस्त्र धोती खाइए, अंदर तक ले जाइए और उसे बाहर निकाल दीजिए। हमारी ये वीडियोस आपको पसंद आई हो तो आप इन्हें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।